नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें। सबसे पहले आप नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं कुमार अश्मित, आज मैं आया हूं कटिहार के फुटानी चौक पर और आज आपको दिखाऊंगा कि जो जलजमाव लगा हुआ था उसके लिए नगर निगम अब चौकन्ना हुई है और नगर निगम ने लाख कोशिश के बाद यहाँ मोटर लगाया गया है पटना से मंगवा कर और उसका जो जीता जागता मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो नगर निगम अपने कोशिश में सफल हुई है कि असफल हुई है वो जनता कहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि जो मोटर के द्वारा जो पाइप का से जो पानी जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस तरह से किधर से हो रहा है, आइए देखते हैं। किस तरह से यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है और ये पानी उधर से इधर निकाला जा रहा है। यहाँ पे फुटानी चौक पर एक मोटर लगाकर पाइप का सब इधर से उधर पासिंग हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन समस्या अभी भी सुलझी नहीं है, समस्या का निदान अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है क्योंकि लोगों का कहना है ये जो पासिंग हो रहा है पानी का ये किस तरफ जा रहा है, उधर भी लोग डूब रहे हैं। आइए देखते हैं, इसी के साथ मैं चलता हूँ बुद्धू चौक की तरफ और देखेंगे वहाँ का जो स्थिति है वो क्या है। मंदिर का सीन आना चाहिए, अब मैं बढ़ता हूँ आगे बुद्धू चौक की तरफ बढ़ूंगा और मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ का एक सीन नज़ारा जो कि आपको चौंका देगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ा हूँ बुद्धू चौक की तरफ बढ़ा तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, लोग के घर में पानी घुस चुका है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हर तरह का मैंने आपको घर दिखाया जो पानी में डूबा हुआ है, लोग भाड़ा में घर लेकर रह रहे हैं, अपना घर छोड़कर लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं, अपना ज़मीन छोड़कर लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा कोई यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और नगर निगम के तहत से कोई सुविधा नहीं दी गई है। जाना चाहिए मोटर जो जो फुटानी चौक पे लगा है वो मोटर वहाँ बांध पे लगेगा, सबका घर का पानी निकलेगा। हम लोग बहुत बुरा तरीका से फंसे हुए हैं पानी में, कुछ सामान नहीं निकाल सकते, नहीं खा सकते, नहीं परसों तरसों से हम लोग खाए भी नहीं, बहुत बोले हैं भाई मोटर लगा हुआ था, कल भी बंद किए थे, वो बच्चा को पकड़ के ले गया, घर भर दिन हम लोग उसी जगह में थे, हम लोग को भगाया रहा वहाँ से, बोलता जाइए वहाँ मोटर लगाएंगे तभी निकलेगा पानी, जब तक इधर से पानी नहीं निकलेगा तब तक वहाँ नहीं निकलेगा। हम लोग बोल रहे हैं सांप भी बरकाला घुस गया है घर में, हम लोग बाल बच्चा के लेकर छोटा छोटा बच्चा लेकर भूखे मर रहे हैं और चौकी में बैठ के 2-3-4-5 गोईटा धर के अभी भी सामान मेरा डूब रहा है, सही बात सब चीज़ मेरा बर्बाद हो गया है।
परसों तरसों धरना हम लोग धरे थे, कम से कम 50-60 आदमी था, लड़की लेडीज में, मर्द सब 5 गो था। हम लोग धरना धरे, रास्ता भी बंद किए, सब चीज़ किए कि ये मशीन जो है बंद नहीं चलना चाहिए। मशीन हम लोग बंद करके आए, उसके बाद हम लोग को भूख लग गया, हम लोग चलाए घर, एगो कौन आया बोला कि नहीं मशीन चलेगा, तो हम लोग फिर गए भूखले पास फिर दौड़े, फिर वहाँ से हम लोग को भगाया गया कि जाइए जाइए, हम लोग अभी तक हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक ये मशीन बंद नहीं होगा तब तक नहीं। 2 गो प्रशासन आया, पुलिस आके बोला नहीं आप लोग ऐसे नहीं मानिए, हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग यहीं मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग फिर भी मशीन उशीन खोल खाल के चलाएं, फिर सुबह में देखते हैं पूरा पुलिस फौज के लेके चलाया 4-5 गाड़ी, तो हम लोग दौड़ के गए तो एगो लड़का पहले से पहुंचा, कुंची नाम है उसका, गुलफान, वो गया तुरंत मशीन बंद किया, उसको बस पुलिस आया बस लेकर गाड़ी में चल गया। उसके बाद हम लोग पहुंचे 10-20 आदमी पहुंचे लेडीज में, डंडा दिखाने लगा और ससारते ढकलते ढकलते हम लोग को भगा दिया। हम लोग इस सीओ के पास हम बोले, वीडियो के पास सब बैठा हुआ, हम उसके पास भी बोले ये मशीन जब यहाँ आप लगा रहे, ये मशीन आपको वहाँ लगाना चाहिए, बांध पे लगाना चाहिए, हम लोग का घर का पानी निकलेगा, बोलता आप लोग को दिक्कत ज़्यादा होगा खाने पीने, हम लोग का चलिए आपको हम खिला देंगे, हम लोग का खाने पीने का टेंशन नहीं है, हम लोग का रहने का टेंशन है, आपको हम ही खिला देंगे, बोलता नहीं चलिए जाइए आप लोग जाइए, नहीं मानिएगा, हम लोग नहीं मानेंगे, जब तक आप लोग मशीन नहीं यहाँ से हटेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। या ऐसा होगा ना, तब लेडीज़ पुलिस के एक गाड़ी बुलाया, बोला कि हम लोग का प्रशासन लेडीज़ पुलिस छुई नहीं है, दरोगा सब ढकलते 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 आधा दूर तक ले गई, जेंट्स ले गया, लेके हमको बोला कि जाइए आपको रात में नहीं लगेगा, यहाँ से पानी कम नहीं होगा तब हमको देखा जाएगा, हम लोग देखा ना आप गारंटी लीजिएगा उसका तब हम जाएंगे ना तो नहीं जाएंगे, हाँ गारंटी ले रहे हैं आप जाइए रात भर में, हम लोग रात भर भी नहीं सोए, रात भर में उठ उठ के पानी देख रहे, रात परसों तरसों से हम लोग धरना धरे, अब अभी तक हम लोग खाना भी नहीं खाए हैं, उस सब स्थिति में खाना आदमी घुसेगा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हम लोग का। बताइए नाम बताइए। रुखसाना खातून। क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत यही है कि हम लोग को जो है प्रशासन से यही कहना है कि उधर का जो मशीन लगा हुआ ये मशीन इधर का पानी खींचे, हम लोग का बाल बच्चा जितना है अपना पराया गांव मोहल्ला सब दिक्कत में, बहुत परेशानी में है, वो मशीन उठा के आए इधर का पानी खींचे, उसके बाद उन लोग को जिधर पानी गिराना है गिरा सकता है। दिक्कतें आ रही बस्ती में, पानी सब बहुत आ गया है, घर सब छोड़ करके आदमी सब भाड़ा के घर में है और भाड़ा का घर भी नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ है, ये पानी से हम लोग परेशान हो रहे हैं, घर किराया भी नहीं मिल रहा, सब रोड पे रह रहे, बस पानी निकलवा दे, 10 किलो 5 किलो अनाज बोलता है कि ले करके छोड़ दो, तो 10 किलो अनाज क्या करेंगे, जब घर में पानी रहेगा तो बना खाएंगे कैसे, बाल बच्चा का रहने का जब साधन नहीं है तो खाना पीना कैसे खाएगा बनाएगा, किसी का घर में गैस नहीं है कुछ नहीं है तो कैसे करके खाएंगे, 2 किलो चूरा मुड़ी देने से हमको क्या हो जाएगा। कि यहाँ के लोगों की क्या परेशानी है, और पिछले 2 दिन पहले लोगों ने अपना एक धरना दिया था ताकि मोटर का पानी जो है वो फुटानी चौक से बुद्धू चौक की तरफ नहीं जाए बल्कि बुद्धू चौक से बांध के उस पार जाए ताकि लोगों को काफ़ी लोगों को परेशानी ना हो, लोग बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोगों का कहना है कि सीओ बीडीओ साहब प्रशासन चाहे कोई भी हो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और एक तरह से इन पर जुल्म किया जा रहा है, और यहाँ के स्थानीय विधायक जो गहरी नींद में सोए हुए हैं मैं भी उनसे भी पूछ रहा हूँ ये कब तक यहाँ के लोगों को सहना पड़ेगा, लोग कब तक ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुटानी चौक पे मशीन लगा हुआ है उस तरह से यहाँ भी मशीन लगना चाहिए ताकि लोगों के घर से पानी निकले और लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, क्योंकि पानी जमा हुआ है इससे सबसे पहला बीमारी होगा। इस ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मैं आपके सामने हर समय उपस्थित रहूँगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़ 27।